हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डिजिटल ग्राफिक्स। और इस चैनल पर हम फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, 3ds Max से रिलेटेड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। सो जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस ट्यूटोरियल में। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने इलस्ट्रेटर में जो है बैकग्राउंड कलर जो है चेंज करते हैं अपने पेज का। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपना न्यू पेज जो है ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल या न्यू पेज जो भी आप कहें उसे ओपन कर लेते हैं। और जब भी हम लोग ये न्यू फाइल जो है ओपन करते हैं तो हमेशा ये हमें जो है वाइट कलर में मिलता है, जो कि मैक्सिमम लोग इसे जो है ऐसे ही यूज़ करते हैं। सो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको जो है चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को। इसे चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, जो कि मैं आप लोगों को ये दोनों बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले हम लोग अपने डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करने के लिए जो है अपने फाइल मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट सेटअप का। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जो कि हम लोगों को मिलेगा सिमुलेट कलर्ड पेपर का, जिससे कि हम लोगों के जो है पेपर का कलर चेंज होगा। सो इसलिए हम लोग सिमुलेट कलर्ड पेपर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम लोग ओके करेंगे हम लोगों के पेपर का कलर जो है चेंज हो जाएगा। तो अपने पेपर का कलर जो है वापस से वाइट कर देंगे, जिससे कि मैं आप लोगों को दूसरा तरीका जो है सही तरीके से बता सकूं। सो हम अपने पेपर के इस कलर को वापस से वाइट कर देंगे एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना दूसरा तरीका, जो कि ज़्यादातर लोग ऐसे यूज़ करते हैं। सिंपली हम लोग अपने जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है उसी साइज़ का एक रेक्टेंगल जो है क्रिएट कर देंगे। चाहे तो आप लोग ये रेक्टेंगल जो है वैल्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं, मैं सिंपली ऐसे ही इसको ड्रैग करके क्रिएट कर देता हूँ। एंड इसको क्रिएट करने के बाद हम लोग सिंपली अपना फिल कलर जो है यहाँ से चेंज कर लेंगे, जो जिस भी कलर का आप लोगों को अब अपना डॉक्यूमेंट करना हो आप उस कलर का जो है रेक्टेंगल कर देंगे ड्रॉ यहाँ पर, जो कि हम लोगों के बैकग्राउंड का काम करेगा। और सिंपली इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद हम लोग इसकी जो लेयर पे जाएंगे और इसको जो है लॉक कर देंगे, जिससे कि हम लोग कुछ भी अगर काम करें तो ये वहाँ से हिले डुले ना अपनी पोजीशन से। सो लेयर्स को ऑन करने के लिए आप लोग F7 प्रेस करेंगे एंड यहाँ से हम लोग सिंपली इसको नेम दे देंगे बैकग्राउंड। सबसे पहले हम लोग इसको नाम दे देते हैं एक बैकग्राउंड, जिससे कि हम लोगों को लेयर्स में कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। सिंपली इस पर हम लोग ओके क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग इसको लॉक कर देंगे। सो अब ये हमारा एक्चुअली बैकग्राउंड बन चुका है। अब सिंपली हम लोग एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब इस लेयर पे जो है कुछ भी चीज़ हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम लोगों की अब लॉक लेयर हो चुकी है। एंड हम लोग एक न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अपना रेक्टेंगल जो है क्रिएट कर देंगे और इसको कोई और कलर देंगे, जिससे कि हम लोग इसको देख सकें ईजिली। सो ऐसे ये हम लोगों का बैकग्राउंड बन चुका है और जिसपे हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं अब। सो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।